नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी पितृपक्ष चालू हो चुके हैं और बहुत सुंदर एनर्जीज है हीलिंग के लिए। तो आइए आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि पितृपक्ष में आपके पितरों का कौन सा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। क्या आपका कोई रिलीज हो रहा है, मेजर रिलीज हो रहा है, या आपके एंसेस्टर्स कौन सी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं? आपको आपके साथ क्या आगे चल के आपकी यात्रा में होने वाला है? क्योंकि देखिए, डेफिनेटली एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स होती है वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको पार लगाने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं और कैसे आप अपने पितरों को खुश करके उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। एंड जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको वैसे भी पता है कि क्या मायने रखती है जो एंसेस्टर्स हीलिंग है, वो इस जर्नी में क्या मायने रखती है। आप कभी भी इस जर्नी को अच्छे से नहीं प्रोसीड कर सकते हो अगर आपके एंसेस्टर्स आपसे हैप्पी नहीं हैं, अगर उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं हैं, या आप उनको किसी प्रकार से इग्नोर कर रहे हैं या जानबूझ के या अनजाने में नहीं उनको वो जगह दे पा रहे हैं जो उनकी रियलिटी में होनी चाहिए। तो आपकी जर्नी में ऑब्वियसली बहुत ऑब्स्टिकल्स आती हैं। आपको भी पता है कि जिन लोगों को पितृ दोष होता है उनके काम नहीं बनते, या उनके इनकम के रास्ते बंद हो जाते हैं, या फिर इनकम और जो उनका खर्चा होता है उसके बीच में बैलेंस नहीं रह पाएगा, या रिश्ते सही नहीं चलेंगे, या मैरिजेस गलत जगहों पर हो जाती है। कार्मिक मैरिजेस का सबसे बड़ा कारण पितृ दोष होता है। तो आज मैं आपसे यही एनर्जी चैनल करने जा रही हूँ कि क्या है इस पितृपक्ष के दौरान आपको, आपने कितना लेवल तक हीलिंग कर लिया है, क्या है आपके पितरों का आशीर्वाद आपके लिए, और क्या है वो मेजर रिलीजेस जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दौर में। तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपके जीवन का जो सबसे पहली बात जो निकल के आई है वो ये आई है कि आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा डर है, अब वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकते हैं, ठीक है, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, या कोई रिश्ता, ठीक है, या आपके अपनी इनसिक्योरिटीज़ कोई अगर आपके अंदर रही है, आपकी सबकॉन्शियस में आपकी कोई और इनसिक्योरिटीज़ या डर रहे हैं, फियर रहे हैं, या बाहरी कोई व्यक्ति रहा है, रिश्ता रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आपको लगातार डर लगता रहा है, जिस भी चीज़ से, जिस भी जगह से आपका फियर आता हो, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस से आता हो, चाहे वो आपकी बाहरी सराउंडिंग से आता हो, जिस भी प्रकार से आपका ये भय आपकी लाइफ में आता हो, जो भी मीडियम हो, वो आपकी लाइफ से पूरी तरह कम्प्लीटली ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म हो रहा है और रिलीज़ हो रहा है। देखिए, इस वक्त चंद्रमा की ऊर्जा भी आपको पता हाई है ना, बहुत हाई लेवल ऊर्जा है, और साथ ही साथ ये पितृपक्ष भी चालू हो गए हैं। तो मतलब एक हम जिसको कह सकते हैं ना कि हीलिंग के लिए गोल्डन टाइम है, ये रिलीज़ के लिए गोल्डन टाइम है, ठीक है। तो इसलिए आप जो कुछ भी रिलीज़ करना चाहें इस दौर में, इस टाइम में, वो चाहे फिर आपका कोई पुराना दर्द है, कोई पेन है, कोई ट्रामा है, इवन कोई व्यक्ति है, कोई रिश्ता है ना, आपका कोई फियर या आपके कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, या फिर जिन लोगों को, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी या ऐसे ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ रहते हैं, उनकी भी बात मैं कर रही हूँ। आप इनको इजीली हील कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आपके लिए देखिए, आपकी हीलिंग आप ही के हाथ में होती है। जिस दिन आप हीलिंग का रास्ता चुन लेते हो ना, एक एक कदम ही सही, बस फिर तब से आप आगे ही चलते हो। जब तक आप स्टक हो, डिवाइन सोल्स का ये होता ही है, जब तक आप स्टक हो ना, बस तभी तक हो, मतलब जब तक आपने ठाना नहीं है, और जब तक आप अपनी ट्रॉमास की, अपनी इश्यूज की, अपने इनसिक्योरिटीज़ का जो जिम्मेदार है वो
बाहरी एनर्जीज़ को बता रहे हो, यानी कि कार्मिक एनर्जीज़ पर थोप रहे हो उस चीज़ को, तो तब तक ही बस आप उस चीज़ में फंसे रहते हो। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि हाँ ये जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में, आप अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है ना, आप अपने फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप उनको फेस करते हो, आप उनको डिनाई नहीं करते हो। वंस यू फेस योर इनर इनसिक्योरिटीज़, आप एक बार अपनी अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो डर हैं, जो दर्द है, उसको जब फेस करना सीख जाते हो, आपकी हीलिंग की जर्नी कम्प्लीटली कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाती है पूरी तरीके से, और उसके बाद फुल फ्लेजर्ड होती है आपकी हीलिंग या आपकी आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो आप भी उस जोन में जाइए, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ये आपको यकीन है, आपको इंटरनली पता है, बस आप उस चीज़ में जो लोग लग नहीं पा रहे हैं लगिए, ठीक है, आप कर सकते हैं अपनी हीलिंग, आप कर सकते हैं अपने आप को ठीक, आप कर सकते हैं अपने आजू बाजू सब कुछ ठीक, पितृपक्ष भी है ना, तो आप एंसेस्टर हीलिंग करिए, ठीक है, अपनी सबकॉन्शियस की हीलिंग करिए, बहुत आपके जो रास्ते रुके पड़े हैं वो रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, मैजिकली चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि हमको पता कैसे चले कि हमारी एंसेस्टर हीलिंग हो चुकी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पता कैसे चलता है एंसेस्टर हीलिंग के मामले में, तो ये मैंने पक्का नोटिस किया है, ठीक है, इसीलिए आपको बता रही हूँ, ये इस जगह पर तो पक्का है कि आपके जो एंसेस्टर है ना, आपके जो पितर हैं, जो गए हुए लोग हैं आपकी लाइफ से, वो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम में दिखते हैं। जब आप अपनी हीलिंग अच्छे से कर चुके हैं ना, और कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब अच्छे से हीलिंग कर चुके हैं अपनी, आपको ना बहुत हैप्पी होकर, मतलब हैप्पी दिखेंगे वो, और आपको अपने ड्रीम्स में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे वो। तो जिनके लिए लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ना, वो समझें कि उनका हीलिंग सही तरफ जा रही है, ठीक है। अगर आपके पितर आपको दुखी दिखते हैं, परेशान दिखते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं आपको, कोई शिकायत कर रहे हैं आपको, या अपनी किसी दुख या तकलीफ़ को बता रहे हैं आपको, तो समझ जाइए कि आपको बहुत ज़्यादा एंसेस्टर हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पितर आपको हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, कुछ खुश होकर वो आपको बोल रहे हैं, चाहे वो चीज़ आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ड्रीम में अगर आपको खुश खुश आपके पितर दिखाई दे रहे हैं, एंड रियल वर्ल्ड में आपके सिचुएशन सुधरने स्टार्ट हो गए हैं, आपके कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो वाइब्रेशनल मैच हैं वो लोग आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं, आपकी मटेरियल हेल्थ ठीक हो रही है अगर, तो आप समझ जाइए कि आपके पितर आपसे बहुत खुश हैं। तो ये साइन होता है कि आपकी एंसेस्टर हीलिंग अच्छे से हो रही है, ठीक से हो रही है, और आपके पितर जो हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेजर साइन होता है कि आपकी एंसेस्टर हीलिंग सही दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बोल रही थी कि आपके एंसेस्टर्स और जिन लोगों ने अच्छे से अभी तक हीलिंग की है ना, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट और उनकी ब्लेसिंग्स आपके बहुत साथ हैं। तो आप पाओगे कि देखिए छोटे देखिए हाँ आप पाओगे कि आपको कहीं कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई है। अब ये हो सकता है कि सक्सेस का रेशियो जो है वो उतना लेवल का नहीं हो जितना हम बोलते हैं कि अबंडेंस में, लेकिन कभी भी पहला स्टेप होता है ना, तो अगर वो पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो गई है आपकी सिचुएशंस में, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अब ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और फिर आपका एक चीज़ होती है जो होता है आपका मैनिफेस्टेशन, वो भी वर्क कर रहा होता है साथ में। तो आपको अगर छोटे छोटे स्तर पे सही आपको लगातार अपने सिचुएशंस में चीज़ों में अगर आपको सक्सेस देखने को मिल रही है, तो 100% आपका पितर आपसे बहुत खुश हैं, आपके पितर आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और बहुत खुश हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी आप हीलिंग करें मेडिटेशन के थ्रू, क्षमा प्रार्थना के थ्रू, जो कुछ भी आप करना चाहें हो ओपनोपनों के थ्रू, या और जो भी आपके एरिया वाइज भी अगर कुछ रिचुअल्स होते हैं तो वो भी आप कर सकते हो,
ठीक है, कोई विशेष पूजा वगैरह कुछ भी, जो भी है, जो जहाँ जिस स्टेट से हैं आपके, वहाँ पर्टिकुलर जो भी रिचुअल्स होते हों आप कर सकते हो। जो आप अगर अगर मान लीजिए आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं जिनके आप नहीं कर पाए या जिनका घर वाले नहीं कर पाए, उनका भी आप इस दौर में कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ना हीलिंग के साइड में एक चीज़ आपको सजेस्ट करती हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर या कुछ भी, डेली रूटीन में किसी ना किसी लेवल पर आप छोटे छोटे स्तर पे ही चैरिटी करिए, रूटीन में डेली स्तर पर करिए। वो कुछ भी हो सकती है आपकी चैरिटी, ठीक है ना। कुछ भी का मतलब कुछ भी, आप देखिए गाय कुत्ते को खाना तो कोई भी खिला सकता है ना, है ना। हम इतना भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ मनी की बात नहीं कर रही हूँ। जब चैरिटी नाम आता है डायरेक्टली इंसान सोचता है कि मनी की बात हो रही है, मैं यहाँ मनी की बात नहीं कर रही हूँ। जिसके जो श्रद्धा अनुसार है, अगर आप मनी कर सकते हैं तो मनी से आप किसी को रिसोर्सेज दे सकते हैं, चीज़ें दे सकते हैं, किसी को राशन पानी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मनी वाइज उतने लेवल पर नहीं हेल्प कर सकते हो तो परिस्थिति अनुसार या आपकी जितनी श्रद्धा अनुसार उस वैसे चैरिटी बट रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। कुत्तों को, गाय को खाना दीजिए, ठीक है, चिड़ियों को दाना दीजिए, मछली को जो है आटा दीजिए, जो भी आप कर सकते हो अपनी लोकेलिटी में वो करिए। और रूटीन हमेशा ऐसा रखिए जो आप चलते फिरते में कर लें और आपको अलग से उसके लिए कोई एफर्ट या कोई अलग से एक अलग काम ना जोड़ना पड़े कि भाई ये एक बड़ा काम है जो करना पड़ेगा, है ना। फिर वो क्या होता है, वो चीज़ रेगुलर चल नहीं पाती। अगर आप रूटीन स्तर पे करोगे ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो वो आपका एक लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, चलते फिरते में कुछ भी चैरिटी करते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता और उनकी चैरिटी हो भी जाती है। तो किसी भी स्तर पर आप चैरिटी ज़रूर करिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि कॉन्शियसली अपने एंसेस्टर्स कर्मा को हील करिए। देखिए आपके एंसेस्टर कर्मा क्या होते हैं, आपने जिस ब्लड लाइन में जन्म लिए है ना, आप सभी तो अवेकन सोल्स नहीं थे ना। आपके जितने पूर्वज रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खराब थे या कुछ उन्होंने पाप कर्म किए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वो सभी के सभी तो अवेकन सोल्स नहीं थे ना। तो अगर आपके फैमिली का कोई ऐसा बैकग्राउंड आपको पता है, ठीक है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, आप मेरा इशारा समझ पा रहे हैं, अगर कहीं पर किसी से कुछ गलत हुआ था पास्ट में, आप उनको कर्म मुक्त कर सकते हैं, आप उनके भी कर्म बंधन कट कर सकते हैं। एंसेस्टर्स कर्मा को हील करिए। करना क्या है, मेडिटेशन में जाना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, और अगर आपको बकायदा वो फैमिली मेम्बर याद हैं और उनके जो कुछ भी उनका कर्मा है वो याद है, तो आप उनको क्या करना है, आपने आपने उनको डिवाइन के सामने विजुअलाइज करना है, ठीक है, और आपने उनको वहाँ पर समर्पण करवाना है, आपने उनको वहाँ पर सरेंडर करवाना है। आप डिवाइन के सामने हैं, आपके जो भी एंसेस्टर हैं वो डिवाइन के सामने हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके सामने, या कोई भी भगवान सब एक हैं, आपको जो भी विजुअलाइज हो यूनिवर्स भगवान जी के सामने आपको उनको समर्पण कराना है, सरेंडर कराना है, ठीक है। तो उनसे क्षमा प्रार्थना करवानी है और उनको सरेंडर करवाना है, और आपको डिवाइन से ये प्रे करना है कि इनको अपनी शरण में लें, ठीक है, इनको अपनी शरण में लें और इनको असेंड करवाएं। तो आपके जो एंसेस्टर्स लोअर डायमेंशन में दुख पा रहे हैं, ये होता है एंसेस्टर्स कर्मा। तो आपके जो भी एंसेस्टर्स लोअर डायमेंशन में दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं और असेंड नहीं हो पा रहे हैं, नेक्स्ट डायमेंशन में नहीं जा पा रहे हैं, उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि जैसे मैं इसका एक बता देती हूँ, आप पे एंसेस्टर कर्मा है पास्ट के, आपके फैमिली कर्मा है ब्लड लाइन में, तो उसका आपको क्या निशानी मिलेगी पता है, रिश्तों में टॉक्सिसिटी होना, मैरिज टॉक्सिक मैरिजेस होना, ठीक है, जिनसे कोई एस्केप ही नहीं है, कोई एस्केप नहीं है, निकल नहीं पा रहे हो, फंसे पड़े हो उस टॉक्सिसिटी के अंदर, रहने को मजबूर हो अगर, ठीक है। सेकंड, आपको अगर लगता है कि आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पाता जिस लेवल की मेहनत लग जाती है, जो मिलना चाहिए, तो आपको अगर लगता है कि सब कुछ ठीक से करते हुए भी आपके काम खराब हो जाते हैं या आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं,
तो जरूर जरूर आपको एंसेस्टर कर्मा हीलिंग की जरूरत है। परिवार के सदस्यों में बिना वजह मतभेद रहना, ठीक है, परिवार में मतलब होता है ना, कई कई परिवारों में आपने सुना होगा कि इनकम भी अच्छी है, वेल टू डू फैमिली है, सब कुछ है, बट लोगों में मानसिक शांति नहीं है, क्लेश है आपस में, ठीक है, ये एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर जो है खुश नहीं है, तब ऐसा होता है। परिवार में लोगों की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से बहुत क्लेश रहना, चिड़चिड़ रहना, सब कुछ होते हुए भी इंसान ताजुब करता रहता है कि यार सुकून क्यों नहीं है। कभी कभी देखिएगा बहुत संघर्ष में जो परिवार रह रहे होते हैं, बहुत संघर्ष चल रहा है लाइफ में, लेकिन वो आपस में तो कम से कम एक दूसरे के साथ खुश हैं, प्रेम है ना, विचार मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे इतनी वेल टू डू फैमिलीज हैं, बट उनको समझ नहीं आता कि एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, भाई भाई में कलेश है, पति पत्नी में कलेश है ना। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये यहाँ पर पितृदोष का जो है बहुत बड़ी निशानी होती है, ठीक है ना। तो इनको हील करिए, आपके रिश्ते चलते चलते ख़राब हो जाते हैं, लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते, आपको मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप पितृदोष से ग्रस्त हैं, है ना। तो इनको हील करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पितृकर्मा अभी बाकी हैं, जिनको रिलीज़ होना बाकी है, जिनको हील होना बाकी है। तो आपके आपको ये भी आपकी ड्यूटी होती है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन ड्यूटी में हैं तो ये भी है, उस ड्यूटी में शामिल होता है कि भाई आप अपने पितरों को मुक्त करवाइए, क्योंकि आप अपनी ब्लड लाइन में अभिकर्ण सोल के तौर पर आए हैं, है ना। आप अपनी जो लीनियज है उसमें उसको क्लीन करिए, ठीक है। तो ये आपके ड्यूटी में आता है, आपको उनको अपने पितरों को मुक्त करवाना होता है, और ये आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटी होती है। इससे कभी कोई एस्केप नहीं है, आप खुद इतने परेशान हो जाओगे, आपको झक मार के वो चीज़ करनी पड़ेगी, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो नहीं कर पाओगे अदरवाइज, है ना। तो आपको करनी पड़ेगी, तो क्यों ना अभी कॉन्शियसली कर लो, अभी वक्त भी गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा टाइम है, आगे फिर नवरात्रे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है ना। तो रिश्ते आपके सुधरने लग जाएंगे, आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जो पितर हैं उनका क्या अभी आपको मिल रहा है, जो लोगों ने अच्छे से हीलिंग की है, तो एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, अगर आपके फंसा हुआ मनी रहा, या आपके जीवन में ऐसे चीज़ें चलती हैं जो आपके काम नहीं बन पाते, जॉब करियर एक बार सेट हो नहीं पाता ढंग से, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जाती है, अड़चन आ जाती है, या वर्क प्लेस पे सिचुएशंस ही ऐसी टॉक्सिक बनी होती हैं कि मतलब आप चाहते हुए भी ग्रो नहीं कर पाते हो, वो सब चीज़ें ठीक होना। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो मटेरियल ग्रोथ की दिख रही है। सेकेंडली, आप ये कह सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो सुधरने लगेगी, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी ऊर्जा आती हुई जिन लोगों ने कॉन्शियसली पास से हीलिंग कर रहे हैं, मैंने आपको जो बात बोली ना वो करो, ठीक है। चींटियों को खाना देना, या फिर चींटियों को आटा देना, या फिर मछलियों को आटा देना, या फिर आपके पशु पक्षियों को देना, खिलाना पिलाना, है ना, ये करना है आपने, ये करते जाएंगे और फिर प्लस थोड़ा मेडिटेट भी करेंगे, सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा, रिलीज भी हो जाएगा, हील भी हो जाएगा। जिन लोगों ने किया है उनको इसके फ़ायदे मिल भी रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अभी तक नहीं कर पा रहे थे, या जिनको लगता था कि पता नहीं ये कैसे होता है, ये तो बहुत इजी है, करिए ना इसको, करिए, है ना, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए इस चीज़ को, तो आपके काम बनने शुरू हो जाना, आपके फाइनेंसेस अच्छे होना। अगर गर्म स्वभाव के, गर्म मिजाज के परिवार के लोग हैं, तो आप पाओगे कि अपने आप धीरे धीरे उनकी ऊर्जा शांत हो रही है ना। शांत ऊर्जा आपको बहुत सारी जगह पर सपोर्ट करती है। अगर आप घर की तरफ से रिलैक्स हो ना, आप बाहर हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे। बाहर अच्छा परफॉर्म लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो घर से ही सुबह पहले परेशान होके निकलते हैं, है ना, कोई ना कोई परेशानी चल रही है किसी ना किसी लेवल पर, और कुछ नहीं तो बच्चे ही कोई जिद कर रहे हैं, है ना, या फिर बुजुर्गों के साथ मतभेद है, या लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद है, तो धीरे धीरे वो ऊर्जाएं शांत होने लगेंगी, और आप पाओगे आपका जो रुका हुआ धन है ना, वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रहा है, किसी भी रूप में आ रहा हो, छोटे छोटे उसमें आ रहा हो, है ना। मेरी कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हीलिंग कराई थी, उनके जो पैसे अटके हुए हैं, है ना,
लंबे वक्त से अटके हुए हैं वो। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई आया और जादू से एकमुश्त उनको मनी दे के चला गया, लेकिन जिन लोगों के पास उनके पैसे अटके हुए थे ना, वो धीरे धीरे 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे किश्तों में मनी लौटाना स्टार्ट हो गए। तो देखिए, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना, ठीक है? तो कुछ भी करके आपके मामलों में ना एक तरह की, जिसको मैं कह सकती हूँ, रिकवरी स्टार्ट होना, रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? आपके रुके हुए, जैसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था किसी पार्टी से सामने से, तो वो मिलना स्टार्ट हो जाना, लोगों का, ऊर्जाओं का आपकी तरफ सपोर्टिव हो जाना, ठीक है? अगर कोई आपको जानबूझकर किसी जगह पर स्टक करने की कोशिश कर रहा था, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, तो आप आओगे धीरे धीरे वो ऊर्जा फ्लो में आ रही है, स्टक नहीं है, ठीक है? तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके पितर जो होते हैं वो आपको दे रहे हैं, और आपको इनको क्लेम करना है। आपको जीवन में और ज़्यादा अपने एंसेस्टर हीलिंग करनी है। अभी का वक्त, आगे नवरात्रों का वक्त, ऑलरेडी इतना सुंदर वक्त चल रहा है, आपको हीलिंग करते रहना है। अभी अभी चंद्रग्रहण निकला है, ठीक है? आपके जीवन में का गोल्डन पीरियड आ रहा है ना? ये जो साल हमने शुरुआत से बोला है कि कर्मा का साल है, रिलीज का साल है, न्याय का साल है ना, जो कुछ भी आपने अपनी लैंग्वेज में सुना है, बोला है, तो इस मतलब इसकी अहमियत को समझिए। गोल्डन पीरियड है, ठीक है? तो इस गोल्डन पीरियड को आपने ऐसे नहीं निकलने देना, इसका फ़ायदा लेना है पूरा। अपने चक्रास हील करिए, अपने एंसेस्टर हीलिंग करिए, ठीक है? अगर आपके सबकॉन्शियस की कोई प्रोग्रामिंग है तो उसे सुधारिए, ठीक करिए। दिन रात अपने आप को वो बोलिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? आपको सब कुछ मालूम है, सब चीज़ों की नॉलेज है आपको, तो आपके पितरों का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है जिन लोगों ने हीलिंग की है। उन लोगों को मैं और सजेस्ट करूंगी, आगे इसको जारी रखिए। जो लोगों ने अभी तक नहीं की है, या जिनको समझ ही नहीं आता था कि कैसे करनी है एंसेस्टर हीलिंग, आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली है। आप भी अपनी हीलिंग स्टार्ट करिए और करते रहिए, ठीक है? आपका एक उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, और इसमें आप, आपकी डिवाइन पावर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, इन सब के सपोर्ट से ही जा पाओगे। तो इस एंट्री को लेने से कभी भी चूकिएगा मत, है ना? पीछे मत रहिए, और अपनी सोल फैमिली को ज्वाइन करिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी हीलिंग कर रहे हैं, आप भी करिए, आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुलते चले जाएंगे, ठीक है? आगे बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, ये उन्हीं को मालूम है कि ये कितना फ़ायदा करता है। आप भी करिए, आपके लिए एक उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स को फुल कर देना और वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।